नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली कोई राहत, तुरंत सुनवाई से किया इनकार। इधर हफ्ते में वकील से 5 बार मुलाकात की याचिका भी राउज एवेन्यू कोर्ट से हुई खारिज। दक्षिण भारत अभियान के दूसरे दिन तमिलनाडु में पीएम का प्रचार, कांग्रेस और डीएमके पर किया कड़ा प्रहार। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने खोला पिटारा, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, नौकरी में आरक्षण, जातीय जनगणना और किसान कर्ज माफी का वादा, मनरेगा के लिए बढ़ेगी मजदूरी। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, माफीनामा भी खारिज, कहा कोर्ट की अनदेखी के लिए कार्रवाई के लिए रहे तैयार। टेस्ला के भारत आने की तैयारी, इसी महीने सीईओ एलन मस्क आएंगे भारत, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी सरकार से चल रही है बात। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश, सेंसेक्स पहली बार 75,000 के पार बंद, निफ्टी बैंक की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग। लीकर पॉलिसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। आज वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने तुरंत सुनवाई की याचिका लगाई। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि ये याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है और अर्जेंट है। गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें ईमेल कर दीजिए, फिर हम देखेंगे। अब कल से रविवार तक कोर्ट में छुट्टियां हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी केजरीवाल की एक याचिका ठुकरा दी गई, जिसमें कस्टडी में रहते हुए सप्ताह में 5 मीटिंग करने की इजाज़त मांगी गई थी। फिलहाल केजरीवाल को सप्ताह में 2 बार मीटिंग की इजाज़त है। उन्हें निचली अदालत ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल का मानव अधिकार छीना जा रहा है। उनका कहना है कि बड़े अपराधी को भी अपने परिवार और वकील से मिलने दिया जाता है। मानव अधिकार है किसी व्यक्ति के जो न्यूनतम अधिकार बड़े से बड़े अधिकारियों को, अपराधियों को भी दिए गए हैं, बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को भी दिए गए हैं। बड़े से बड़े खूंखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं। केजरीवाल सरकार में भी अब बगावत शुरू हो गई है। सामाजिक कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने आज इस्तीफा दे दिया। वो भ्रष्टाचार पर सरकार की राय से नाराज दिखे। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है और इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं चुनावी महासंग्राम में। आज समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें किसानों को 5,000 रुपए महीना पेंशन, किसानों के ऋण माफ करना, मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने की बात कही गई है, खास महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण, गरीब महिलाओं को 3,000 रुपये पेंशन के वादे मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता के साथ से समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो करके गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आएगा और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो
तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच चुके हैं। नागपुर के रामटेक में जनसभा कर रहे हैं। पीएम कल से तमिलनाडु दौरे पर थे। आज मोदी ने कोयम्बटूर और वेल्लोर में जनसभाएं की। वेल्लोर में अब मोदी डीएमके पर जमकर बरसे। मोदी ने कहा कि डीएमके के पास करप्शन का कॉपीराइट है। साथ ही परिवारवाद वाली पार्टी कांग्रेस और डीएमके कभी भी तमिलनाडु की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। जन समर्थन मिल रहा है, पूरा तमिलनाडु कह रहा है एक बार फिर அதுவும் துணிச்சலுக்கு பெயர் போன வீரத்திற்கு பெயர் போனங்க கி சேண்ட் ஸ்மக்லர்ஸ் நே டூ இயர்ஸ் மே தமிழ்நாடு கா 4600 கரோட் ருபீஸ் கா லாஸ் கியா ஹை ஆப் கல்பனா கரியே பூரே தமிழ்நாடு மே लूट का कितना बड़ा खेल चल रहा है। हम केंद्र सरकार से तमिलनाडु के लिए विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। ये पैसा भी डीएमके के करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के बेलूर घाट में जनसभा की। अपनी रैली के दौरान ममता बनर्जी को पार्टी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। गृहमंत्री ने कहा कि ममता दीदी घुसपैठ नहीं रोकेगी क्योंकि घुसपैठ ही उनका वोट बैंक है। बंगाल में घुसपैठ सिर्फ बीजेपी की सरकार रोक सकती है। हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजता कर दिया है। सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है। और सशक्त भारत अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना पड़ेगा। ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है। है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बाद बिहार के गया में चुनाव प्रचार किया। शाह ने अपने भाषण में जमकर कांग्रेस पर भड़ास निकाली। शाह ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में हर रोज पाकिस्तान से हमले हुआ करते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने यह सब रोका है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस के जमाने में 10 साल के अंदर कांग्रेस के जमाने में हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी आए, उरी में किया, पुलवामा में किया, मगर ये आतंकवादी भूल गए। एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है, और मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं नागपुर के रामटेक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है। परिवारवादी पार्टियों ने हमेशा संविधान की इस भावना का अपमान किया, सामाजिक न्याय का झूठ बोलकर ये लोग सिर्फ अपने ही परिवार को आगे बढ़ाते रहे। इन लोगों के राज में दशकों तक एससी एसटी ओबीसी परिवार मूल सुविधाओं से वंचित थे। गरीब को सुविधाओं देने का काम, उसकी चिंता कम करने का काम ये गरीब मां के बेटे मोदी ने किया है।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 10वीं लिस्ट जारी की है। 9 लोगों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 7 लोगों के नाम है। चंडीगढ़ से किरण खेर को टिकट ना देते हुए संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कट गया। उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को मौका दिया गया है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री SS आहलूवालिया को टिकट दिया गया है। इसके अलावा लिस्ट में कौशाम्बी से विनोद सोनकर, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, मछली शहर से BP सरोज और गाजीपुर से पारसनाथ राय का नाम शामिल है। और अब कुछ बात चुनावी मूड माहौल की। स्पेशल चुनावी कवरेज में बात उत्तर प्रदेश के गेटवे कहे जाने वाली गाजियाबाद लोकसभा सीट की। गाजियाबाद के बारे में कहा जाता है कि यूपी की जीत का रास्ता यहीं से निकलता है और इसलिए इस बार भी सभी राजनीतिक पार्टियां यहां पर जी जान से लगी हुई हैं। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है, लोकसभा प्रत्याशी चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं और हम आ गए हैं दिल्ली से सटे संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा गजब गाजियाबाद। जी हां, गजब गाजियाबाद में जीत की हवा किस ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसका जायजा लेंगे। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर BJP और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं किस तरह से वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को चुनाव होना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ठीक बगल में होने की वजह से ये उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती है। इस संसदीय क्षेत्र में मुरादनगर, साहिबाबाद, धोलाना जैसी विधानसभा क्षेत्र शामिल है। गाजियाबाद को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। BJP के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोड शो के साथ यहां चुनावी शंखनाद कर दिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर का पहिया तेजी से घूमा है। मेट्रो से लेकर नेशनल हाईवे, हिंडन एयरपोर्ट का रीडेवलपमेंट से लेकर PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमो भारत, इन सब पर यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं साफ दिखती हैं। जानकारों की माने तो पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की झलक आपको गाजियाबाद में ही देखने को मिलती है। BJP के दौर में बहुत बड़ा कायाकल्प हुआ है। अब आप अगर CP से चलें और यहाँ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर तो मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। कभी किसी जमाने में यहाँ से जाकर के बॉर्डर से दिल्ली पहुंचने में घंटों लग जाते थे। तो ये जो है, और अब आगे क्या हो रहा है, जो नया एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में आ रहा है उसके लिए भी गाजियाबाद से रैपिड रेल की व्यवस्था की जा रही है और आधे घंटे के अंदर अंदर लोग नए एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में भले ही चुनाव दूसरे चरण में हो लेकिन प्रचार यहाँ जोरों पर है। BJP ने इस बार मौजूदा सांसद VK सिंह का पत्ता यहाँ से काट दिया है और उनकी जगह विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रहे अतुल गर्ग पर दाब लगाया है। अतुल गर्ग ने नामांकन दाखिल करने के फौरन बाद से ही चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। फिलहाल BJP को गाजियाबाद से रिकॉर्ड वोटों से जीत दिलाने की रणनीति पर काम चालू है और उम्मीदवार के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी इसमें बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है। गाजियाबाद एक तरीके से बहुत ठोस सीट हो गई है BJP की, तो यहाँ पर टिकट मिलने का और नॉमिनेशन होने का मतलब है कि जीत का सर्टिफिकेट मिलना। पिछले 5 से 10 साल की बात करें, गाजियाबाद जो एक क्राइम सिटी कभी कहलाता था, कितनी की तस्वीर बदल गई है ये बताएं। देखिए, ये तो किसी बच्चे से भी आप पूछेंगे बता देगा। किसी ज़माने में दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर आकर के चौड़ी सड़कें रुक जाती थी। अब NS 24 जो NS 9 हो गया वो हो गया है। 45 मिनट में आप मेरठ पहुँच सकते हैं दिल्ली से। यहाँ पर लोकल एयरपोर्ट शुरू हो गया है। 10 सालों के अंदर जो गाजियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वो इंटरनेशनल क्वालिटी का बनना शुरू हो गया है। गाजियाबाद के चुनावी रण में अतुल गर्ग के सामने है कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता डॉली शर्मा। BJP के खिलाफ जिन मुद्दों को लेकर डॉली शर्मा लोगों के बीच जा रही है उसमें किसानों को MSP दिलाना, बेरोजगारी, महंगाई और प्रदेश में महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल है। डॉली शर्मा मानती है कि BJP की सरकार जुमलों की सरकार है।
मेरे बहनें सुरक्षा चाहती हैं, अस्पताल चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं, स्कूल शिक्षा चाहते हैं, सड़क चाहते हैं, पानी चाहते हैं, वो फालतू के जुमले नहीं चाहते। 10 साल में बहुत हुई जुमलों की बौछार, अब की बार बदल दो सरकार। फिलहाल चुनावी प्रचार का दौर जारी है और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। दीपाली नंदा, गाजियाबाद। भारत के चुनाव दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं। दुनिया के लिए ये चुनाव अपने आप में एक अजूबा है। इस चुनाव को देखने के लिए विदेश से हजारों मेहमान आते हैं। क्या है खूबियां और क्यों आते हैं मेहमान, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। भारत में चुनाव के वक्त विदेशी लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि 80 करोड़ मतदाताओं वाले चुनाव को देखने भी आते हैं। प्रधानमंत्री ने भी G20 और अन्य मौकों पर भारत का चुनाव देखने का निमंत्रण दिया है। मैंने इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि विश्व का हर देश भारत का इलेक्शन टूरिज्म के लिए निकले, हिंदुस्तान के टूरिज्म को देखे, और सिर्फ वोटिंग के दिन नहीं, कोई मार्च महीने में आए, कोई मार्च के सेकंड वीक में आए, कोई मार्च के थर्ड वीक में आए, कोई अप्रैल में आए, कोई मई में आए। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2012 में उन्होंने इलेक्शन टूरिज्म के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री से आह्वान किया था। तब गुजरात का चुनाव देखने कुछ विदेशी मेहमान आए भी थे। चुनाव दर चुनाव ये संख्या बढ़ती रही और इस बार करीब 20,000 विदेशी मेहमान इलेक्शन टूरिज्म की बुकिंग करा चुके हैं। इस काम में लगी अक्षर ट्रैवल्स के मुताबिक विदेशी 500 से $1,000 देकर 5 से 7 दिन के पैकेज ले रहे हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मिडिल ईस्ट के पर्यटक सबसे ज्यादा हैं। इलेक्शन टूरिज्म देखने के लिए पूरे दुनिया भर से 20,000 से ज्यादा लोग इस बार आ रहे हैं। खास करके यहाँ पे जो G20 मीटिंग हुई और हमारे प्रधानमंत्री ने देश विदेश में जाके इंडिया की जो एक आइडेंटिटी बनाई है, तो इस हिसाब से लोगों को में उत्सुकता है कि कैसे एक लोकतंत्र काम करता है, कैसे लोकशाही में लोग अपने नेता को चुनते हैं और कैसे एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है, तो उसके लिए लोगों को काफ़ी उत्कंठता है और इसी कारण लोग इस बार भारत में इलेक्शन देखने के लिए खूब बड़ी संख्या में आ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव अब सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन इलेक्शन टूरिज्म के जरिए जो हजारों विदेशी मेहमान आने वाले हैं, वो अपने अपने देश में भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। इधर पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बार बार उसके निर्देशों की अनदेखी हुई है और इसका नतीजा रामदेव को भुगतना पड़ेगा। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से, बताएं असीम। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कोर्ट के सामने उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। ये दूसरा मौका था जब बाबा रामदेव कोर्ट के सामने उपस्थित हुए थे। कल देर शाम को बाबा ने एक एफिडेविट फाइल करके कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांग ली थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपका माफीनामा अभी भी रिकॉर्ड पर नहीं है। आप बार बार हमारे निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं, आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बाबा के वकील ने कहा कि वो इसके लिए पब्लिकली अपोलॉजी करने के लिए भी तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामों को अस्वीकार कर दिया। बाद में काफी देर की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामों को अपने रिकॉर्ड पर ले लिया है, लेकिन उनको किसी भी तरह की राहत अभी फिलहाल कोर्ट ने नहीं दी है। इस मामले की सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी और बाबा रामदेव को वहां दोबारा कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला फाइलों के अंदर लगातार 3 साल से चलता रहा, कि इन कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी जवाब मांगा। अब 23 अप्रैल तक लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जवाब देना होगा, जबकि बाबा रामदेव को 16 अप्रैल को कोर्ट के सामने फिर से उपस्थित होना होगा। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां तेजी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश रहा और इसी के साथ निफ्टी सेंसेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 354 अंक चढ़कर पहली बार 75,038 के पार बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 111 अंक चढ़कर 22,754 पर बंद हुआ। और बाजार का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताएं क्या रही आज हाईलाइट्स।
देखिए, आज एक्सपायरी का दिन था तो भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार जो शुरुआती कारोबार से थी वो बनी रही पूरे दिन, और अच्छी तेज़ी फ्रंट लाइन इंडेक्स में थी, यानी कि निफ्टी सेंसेक्स दोनों में खरीदारी थी। निफ्टी बैंक जो कि अच्छे अपमूव के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, मिड कैप रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, पहली बार सेंसेक्स 75,000 के ऊपर कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, रिकॉर्ड क्लोजिंग रही निफ्टी बैंक के नाम भी। इंट्राडे में मिड कैप इंडेक्स 450 के आसपास तक पहुंचा, जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर भी आप कह सकते हैं। और तेल गैस PSU PSE यानी कि जो भी सरकारी कंपनी हुआ जहाँ जहाँ पर मेजर इन्वॉल्वमेंट था उन सब में अच्छी खरीदारी बनते दिखाई पड़ी। केमिकल में जोरदार खरीदारी थी, रियल्टी में खरीदारी थी। इसके अलावा मेटल इंडेक्स आज रिकॉर्ड स्तरों पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, और IT में लास्ट आवर बाइंग थी, और बैंकिंग इंडेक्स भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन जो कि मार्केट में आज ब्रॉडर मार्केट की खरीदारी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और आस्क हेज सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांगवी का कहना है, चीन की इकोनॉमी में रिकवरी में मेटल सेक्टर को सपोर्ट मिला है। उनके मुताबिक अभी मेटल में टेक्निकल ट्रेडिंग करना बेहतर होगा। फ्रॉम चाइना रीसेंट नंबर्स ऑन द PMI ISM थोड़े पॉजिटिव आए थे, और एक होप बना रहा है कि आफ्टर अ प्रोलॉन्ग वीकनेस यहाँ पे रिकवरी हो सकती है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ग्लोबल इकोनॉमी एज एक्सपेक्टेड थोड़ी ज्यादा रेजिलियंट है, और उसके कारण हम देख रहे हैं कि टैक्टिकल बेसिस पे मेटल प्राइसेस में यू नो काइंड ऑफ रिकवरी हो रही है। एट द सेम टाइम खास करके लिस्टेड मेटल प्राइसेस में आप एल्यूमिनियम पकड़े या गोल्ड और प्रेशियस मेटल पकड़े, गोल्ड सिल्वर, उसमें भी ज्यादा यू नो मोमेंटम आ रहा है। सो जो शॉर्टर टर्म मोमेंटम हम देख रहे हैं प्रॉबेबली वो टैक्टिकल ट्रेड है। अगर हम आप हमें पूछे कि वो स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम देख सकते हैं तो एट दिस पॉइंट इन टाइम अनलाइकली, टैक्टिकली ट्रेड करें दैट इज बेटर। मेटल फर्म्स का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर मजबूत नजरिया है। आंकड़ों की माने तो जिंक, प्लैटिनम और टिन के भाव आसमान छू रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। मेटल्स के लिहाज से आज का दिन बेहतरीन रहा। हमने कॉपर में अच्छा खासा उछाल आते हुए देखा 14 महीने के हाईज पर, LME पे, शंघाई में ऑल टाइम हाईज पे, US बाजारों में कॉपर यहाँ पर 16 महीने के हाईज पर कारोबार कर रहा है। 3-4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनका फ़ायदा हमने यहाँ पर भावों में आता हुआ देखा। एक तो ये कि चाइना की तरफ से जो स्मेल्टर्स हैं वो 5-10% रिफाइंड कॉपर की प्रोडक्शन कम करने की बात कर रहे हैं। साथ ही दूसरी बात, यहाँ पर माइंस में लेकर चिंताएँ हैं। तीसरा ये कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो ग्लोबल मार्केट से आया है, चाहे वो चाइना है या US है या जर्मनी है, इन सबके नंबर्स काफ़ी बेहतरीन आए। चौथी बात कि डिमांड अब यहाँ पर बेहतर लगने लगी है, चाहे वो EV है, AI है, डिफेंस की तरफ से है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से है, तो ये पॉजिटिव्स काफ़ी सारे यहाँ पर कॉपर में हैं। और पाँचवीं बड़ी बात ये कि सभी लोग अब ये मानते हैं कि यहाँ से कॉपर अपने ऑल टाइम हाईज दिखा सकता है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल का ऑल टाइम हाई कॉपर का $10,700 पर टन है। अब बाजारों को लगता है कि 10,000 के स्तर यहाँ पर वापस आएंगे और अगले साल हम 12,000 तक भी जा सकते हैं। पर सिर्फ कॉपर नहीं, जिंक 1 साल के हाईज पर है, एल्युमिनियम 13 महीने के हाइज पर है, आयरन ओर 2 हफ्ते के हाइज पर है, टिन 15 महीने के हाइज पर है, तो सभी मेटल्स में अच्छी खासी तेजी आज भी बरकरार। और सोने चांदी में जोरदार तेजी बनी हुई है। MCX पर सोना 71,500 के ऊपर कायम है और चांदी के दाम 83,000 के पार निकल चुके हैं। कीमतों में तेजी के कारण क्या है, कहां तक भाव चढ़ सकते हैं, तमाम चीजें आपको बता रही है मनीषा गुप्ता। तेज़ी सोने चांदी में बरकरार है, और आज तो US के इन्फ्लेशन डेटा भी हैं, और उससे पहले हमने कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर बाजार में आते हुए देखी है। अब बाजार को भी लगने लगा है कि जितनी तेज़ी के साथ सोना लगातार पिछले 18 दिन लगातार रिकॉर्ड हाइज बनाता जा रहा था, अब उसमें थोड़ी सी यहाँ पर स्लो डाउन बनती हुई नजर आएगी। आपको याद दिला दें कि CME यानी कि कॉमेक्स की तरफ से तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सोने चांदी में मार्जिन्स बढ़ते हुए देखा है अगर आपको कारोबार करना हो। आज यहाँ पर शंघाई ने भी लिमिट लगा दी है अगर आपको सोने और कच्चे तेल कारोबार करना है, यानी कि जो भी बड़े बड़े ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं अब वो इस तेजी और ये वन वे जो हमने हीटेड अप रैली आते हुए देखी थी उसको धीरे धीरे रोकने के यहां पर काफी सारे जतन किए जा रहे हैं।
एक चीज़ है कि जब सोना 2200 के ऊपर यहाँ पर निकला है, उसके बाद हमने शॉर्ट कवरिंग होते हुए देखी है, डी हेजिंग यहाँ पर कर दी गई है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2000 के ऊपर सोना नहीं जाएगा, उन्होंने फॉरवर्ड में बेचा हुआ था, लेकिन फॉरवर्ड प्रीमियम्स भी यहाँ पर काफ़ी हद तक गिर चुके हैं, तो उन लोगों ने भी अपनी हेजिंग यहाँ पर बंद कर दी है। उसकी वजह से भी हमने सोने में यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी। अब बाजार को लगता है कि करंट लेवल से बहुत ज़्यादा स्टीम या रैली नहीं बची है, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ से एक्सपेक्ट की जानी चाहिए, जो कि खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं। जहाँ तक चांदी की बात है, यहाँ पर अभी भी तेज़ी कायम है। हम ऑलरेडी $28 के आसपास हैं। बाजार को लगता है कि साल के अंत तक $30 से $32 तक की तेज़ी बन सकती है, जिसका मतलब भारतीय रुपये में करीबन 90-95 हज़ार रुपये प्रति किलो तक रह सकता है। तो चांदी में SIP के जरिए निवेश करने की राय अभी भी बरकरार है, लेकिन सोने में अब थोड़ी सी कॉशियस रहने की उम्मीद है। और अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर खरीद के बैठे हैं तो कुछ मुनाफा वसूली भी यहाँ पर की जा सकती है। तो कमोडिटीज़ की बात हो रही, इसी बीच आपको बताएं कमोडिटी बाज़ार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त क्रेज़ बढ़ रहा है। लोग बाज़ार में निवेश तो करना चाहते हैं और इसके लिए सही तरीका, लेकिन वो नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश में कमोडिटी बाज़ार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाज़ार के गुर, सीखिए कैसे करते हैं बाज़ार में कमाई, जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाज़ार के ट्रेंड्स क्या हैं, नए बाज़ार के डायनेमिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझें चार्ट का पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करें www.hindi.cnbctv18.com/commodity-gurukul पर। में कमोडिटी मार्केट्स फास्ट पेस से ग्रो कर रही हैं, ऐसे में कमोडिटीज में निवेश करके आप इन्फ्लेशन का सामना कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जिन्हें जानने और समझने का वक्त आ गया है। CNBC आवाज आपके लिए लेकर आ रहा है अपनी तरह का एक अनोखा एक्सक्लूसिव वेबिनार, जिसे करंट कमोडिटी मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशली आपके लिए क्यूरेट किया गया है। इस वेबिनार में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे बेसिक्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस, साथ ही हेजिंग, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, डेरिवेटिव्स, ग्लोबल ट्रेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कमोडिटी ट्रेड वाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और भी बहुत कुछ। टेक्निकलिटीज से लेकर कमोडिटी का हर पहलू सिखाने के साथ साथ ग्लोबल और डोमेस्टिक वेटरन्स आपके साथ शेयर करेंगे अपनी वास्ट नॉलेज और इनसाइट्स, और आप बनेंगे एक कामयाब कमोडिटी ट्रेडर। तो कमोडिटी गुरुकुल से जुड़ने के लिए वेबसाइट लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करें।